विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सिंप्लीफिकेशन का एग्जांपल है 2/3 होल टू द पावर ऑफ 2/3, इसका सिंप्लीफाइड आंसर हमें निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो गिवन है और एक बार नोट डाउन कर लेंगे, 2/3 टू द पावर 2/3 राइट इक्वल्स, हमें मालूम है ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई n अगर रहा तो ये ए टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड विथ 1/n बनते हैं राइट। तो इसे और क्या बनते हैं, ये 1/n है, ये nth पावर बनेगा और अंदर ए टू द पावर ऑफ m बनेगा, क्योंकि हमें मालूम है nth रूट अगर x रहा तो x टू द पावर 1/n बनते हैं राइट। ये आइडेंटिटी हम अगर यहाँ पर यूज़ किया तो ये 2/3 टू द पावर 2 × 1/3 बनता है। ठीक है, तो इस 1/3 क्या बनते हैं, ये फॉर्म में अगर लाया तो इसे यहाँ पर बनेगा, ये बनेगा क्यूबिक रूट 2/3 होल टू द पावर 8। ठीक है, ए टू द पावर बी होल टू द पावर अगर एक्स रहा तो ए टू द पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई बी टू द पावर ऑफ एक्स, ये हमें मालूम है। ठीक है, तो तब ये बनेगा क्यूबिक रूट 2/2 × 3/2 राइट। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी क्यूबिक रूट 2/2 मीन्स 4 बनते हैं, डिवाइडेड बाई 3/9 बनेगा, क्यूबिक रूट 4/9 राइट। ये हमें और एक आइडेंटिटी का मालूम है, क्यूबिक रूट अगर ए डिवाइडेड बाई बी रहा तो ये सेपरेटली क्यूबिक रूट ए और सेपरेटली क्यूबिक रूट बी बनेगा। ठीक है, तो तब ये बनते हैं क्यूबिक रूट 4/9 राइट। यहाँ पर देखो nth पावर 1/ ए अगर रहा है, ये बनते हैं nth पावर 1/ ए, nth पावर 1/ ए टाइम्स nth पावर ए टू द पावर n माइनस 1/ nth पावर ए टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर ये बनेगा क्यूबिक रूट 4/ क्यूबिक रूट 9 टाइम्स क्यूबिक रूट 9 3-1/ क्यूबिक रूट 9। यहाँ पर ये बनेगा फाइनली क्यूबिक रूट 4/ क्यूबिक रूट 9 टाइम्स क्यूबिक रूट 9 3-1 मीन्स 9² बनते हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी क्यूबिक रूट 9 3-1 यहाँ पर, तो ये भी 9² बनते हैं। ठीक है, तो अभी डिनोमिनेटर में ध्यान दो, क्यूबिक रूट 9 ये भी है, क्यूबिक रूट 9 2 ये है, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, यानी हमें मालूम है क्यूबिक रूट ए इंटू बी अगर रहा तो क्यूबिक रूट ए इंटू क्यूबिक रूट बी रहेगा, तो हम यहाँ पर उल्टा ऐसे करेंगे, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये बनते हैं, ऊपर का तो न्यूमरेटर में क्यूबिक रूट 4 रहेगा और एक क्यूबिक रूट 9² मीन्स 81 डायरेक्ट रखेंगे राइट, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्यूबिक रूट 9 × 9² 9 टू द पावर ऑफ कुछ भी नहीं बोलते 1 समझ लो, और इसमें क्या कर दो ए टू द पावर ऑफ m इंटू ए टू द पावर ऑफ n के जैसा है, तो ये पावर m प्लस n, यानी प्रोडक्ट रूल यहाँ पर यूज़ किया नीचे डिनोमीटर में, तब ये बनता है क्यूबिक रूट 4 टाइम्स क्यूबिक रूट 81 डिवाइडेड बाय क्यूबिक रूट 9 1+2। ठीक है, तब ये बनते हैं, ये बनेगा यहाँ पर क्यूबिक रूट 4 टाइम्स क्यूबिक रूट 81 डिवाइडेड बाय क्यूबिक रूट 9 1+2 मीन्स यहाँ पर 3 बनते हैं। ठीक है, तो फर्दर यहाँ पर अगर सिंप्लीफिकेशन किया आप, तो
एक क्यूबिक रूट और एक क्यूब दोनों निकल जाएगा, इक्वल समय क्या मिलेगा, 3 to the power 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 to the power 81 डिवाइडेड बाई, ये दोनों गणित जाने के बाद ओनली न्यूमरेटर में डिनोमीटर में 9 रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। और इस क्यूबिक रूट 81 है, 81 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 27 times 3, तब ये बनेगा इक्वल्स क्यूबिक रूट 4 टाइम्स क्यूबिक रूट 27 times 3 डिवाइडेड बाई ए 9 सेम। यहाँ पर ऊपर ये क्या बन रहे हैं, अगर यंथ रूट ए इंटू बी रहा तो हम ये मल्टीप्लाइड हैं, तो यंथ रूट ए टाइम्स यंथ रूट बी हम सेपरेट लिख सकते हैं, तभी ये 27 और 3 क्यूबिक रूट में सेपरेट आ जाएगा। तो ये क्यूबिक रूट 4 टाइम्स क्यूबिक रूट 27 टाइम्स क्यूबिक रूट 3 आ जाएगा, ऑल ओवर यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। यहाँ पर देखो एक क्यूबिक रूट 27 ये होता है क्यूबिक रूट 3 to the power of 3, राइट। तो इसके जगह में 3 to the power of 3 को अगर पुट किया तो ये क्यूबिक रूट और क्यूब निकल जाएगा, वो ओनली 3 आ जाएगा इसके जगह में, ठीक है। तब ये बनते क्यूबिक रूट 4 टाइम्स 3 इंटू क्यूबिक रूट 3 डिवाइडेड बाय 9। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, हम 3 डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स क्यूबिक रूट 4 टाइम्स क्यूबिक रूट ये 3, ठीक है। ये 3 1 3 3 3 9 होते हैं, तो ये 1/3 टाइम्स क्यूबिक रूट 4 मल्टीप्लाइड विथ क्यूबिक रूट 3 ये रहेगा। तो यहाँ पर क्यूबिक रूट 4 इंटू क्यूबिक रूट 3 है, तो दोनों क्यूबिक रूट ही है, तो अगर ये यंथ रूट ए इंटू बी हमें मालूम है, यंथ रूट ए सेपरेट और यंथ रूट बी, तो ये सेपरेट है, ये एक ही मिलाएंगे तभी ये बनता है 1/3, तो ये बाहर सेम है, तो ये क्यूबिक रूट 4 मल्टीप्लाइड विथ ए 3 बनेगा, ठीक है। तो ये बनते 1/3 टाइम्स क्यूबिक रूट 4 3 12। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ रहा है, हम ऐसा लिख सकते हैं इसे क्यूबिक रूट 12/3, तो यानी 2 divided by 3 whole to the power of 2 divided by 3 is equal to क्यूबिक रूट 12/3, ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।